हाय गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको महाराष्ट्र की सबसे फेमस स्वीट डिश पूरणपोली बनाना सिखाऊंगी। ये हर फेस्टिवल में बनाई जाती है, चाहे होली हो या दिवाली, और ये बहुत आसान तरीके से भी बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू कर। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट। पूरन पोली बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक टुकड़ा मैंने सोंड का लिया है, आधा कटोरी मैदा, एक कटोरी गेहूं का आटा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 100 ग्राम गुड़, मैंने पीला गुड़ लिया है नॉर्मल जो हम खाते हैं वो वाला, 200 ग्राम चने की दाल, और इसे 2 पानी से धो लें। इन्हीं सब चीज़ों की आवश्यकता होगी हमें। गैस पर मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था पहले से ही। पानी उबलने के बाद ये जो धोई हुई दाल है इस पानी में ऐड कर दे और इसे ढक कर पकाए। जब तक ये दाल पक रही है तब तक हम आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। एक प्लेट में गेहूं का आटा ले और उसके ऊपर मैदा ऐड कर दे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड करें। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स होने के बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालकर इसका चपाती के आटे जैसा नरम डो बना लें। देखिए कुछ इस तरह से। अब इस डो को 20 मिनट के लिए ढक दे। अब हमारे दाल के पानी में भी उबाल आना शुरू हो चुका है। देखिए दाल को लो मीडियम फ्लेम में पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं दाल में का सारा पानी सूख चुका है और हमारे चने भी अच्छे से दब रहे हैं। हमारा चना हो चुका है। अब इन दालों को छन्नी में निकाल दे, जो बचा कुचा पानी हो वो भी निकल जाए। पानी निकलने के बाद इसे एक थाली में निकाल दे ठंडा होने के लिए। जब हमारे चने की दाल हल्की ठंडी हो जाए और आप हाथ लगा कर छू सको, तब हमें चाकू की सहायता से गुड़ को कट करके इसके ऊपर डालना है। देखिए इस तरह से आपको गुड़ कट करना है पूरा। ये देखिए सारा गुड़ कट हो चुका है। अब सौंठ को बारीक कूट ले और छन्नी में छान कर इसका पाउडर छान ले इसके ऊपर। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर ले एक दूसरे में। देखिए कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसे मिक्सी ग्राइंडर में एकदम बारीक पीस कर ले लेना है आपको। फ्रेंड्स अब हमारा पूरन बनकर रेडी है। देखिए कितने अच्छा बारीक पीस चुका है। अब हमारा आटा सेट हो चुका है। अब थोड़ा सा ऑयल हाथों पे लगाकर इसे 2 मिनट के लिए इसी तरह से गूंद ले। यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें रेडी है। चलिए पूरन पोली बनाना शुरू करते हैं। हाथ पे थोड़ा सा तेल लगाकर एक छोटी सी लोई काट ले नींबू के आकार जितनी। अब हाथों की सहायता से क्रैक फ्री ब्रॉल बना ले। अब इसे सूखे आटे में डिप करके इसका कटोरी का शेप दे दे अंगूठे की हेल्प से। देखिए अब इसके अंदर ये पूरन भर दे गोला बना के कुछ इस तरह से और इसे अच्छी तरह से बंद कर दे। अब हमें पूरन पोली को इतना पतला बेल कर तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसे हर साइड से बेल ले। अब हमारी पूरन पोली लगभग तैयार हो चुकी है ना। कितना आसान बनाना पूरन पोली। यहाँ पर हमारा तवा गर्म हो चुका है, इसके ऊपर पूरन पोली डाल दे। आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं, पर पूरन पोली घी में बहुत टेस्टी लगती है। घी पूरन पोली का टेस्ट और भी बढ़ा देता है। इसी तरह आपको दोनों साइड से घी लगा लेना है। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से सिक चुका है और हमारी पूरन पोली कितना अच्छी तरह से फूल रही है ना? आप भी इसी तरह से पूरन पोली बनाए खाए और अपने अनुभव कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।